हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल निटिंग लेजेंड रीना आप सबको स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक थालपोश का डिज़ाइन लाई हूँ। ये सिंपल सा डिज़ाइन है, मैंने इसको बनाया व्हाइट कलर से। व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है। आप इसको व्हाइट छोड़ के दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं और बहुत कम ऊन लगते हैं। ये जो मैंने बनाया है ये येलो थोड़ा सा, ग्रीन और पिंक, और ये थोड़ा थोड़ा उल से मैंने बनाया है। इसको कोई भी आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसको मैंने बनाया 4 प्लाई ऊन, और मेरा क्रोशिया नंबर है, देखिए क्रोशिया हुक है वही 9 नंबर है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहे हैं कि नहीं, मेरा क्रोशिया 9 नंबर है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे वीडियो अगर अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसे लगते हैं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन ले लेंगे। उसके बाद हम लास्ट का जो चेन है यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे, और फिर 1 2 3 3 चेन लेके फिर शुरुआत 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया इस तरह से हम इसको पूरा भर लेंगे 24 सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसको पूरा 24 इधर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये वाला राउंड हम पूरा कर लिया है। इसके बाद फिर से हम 1 2 3 चेन लेंगे, और दूसरे वाला जो चेन है यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया, और फिर दूसरे में भी सिंगल में यहाँ पे फर्स्ट में हम 1 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया हम फर्स्ट वाला चेन बना लिया। उसके बाद अगले वाला जो चेन है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना, दो बार बना लेंगे, एक एक चेन में दो दो बार बना लेंगे इस तरह से। ये जो हमारा चेन है इसके अंदर दो दो बार इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चेन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने ग्रीन कलर ज्वाइन किया, ये पैरट कलर है, इसको मैंने ज्वाइन किया है 1 2 3। फोर डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 छोड़ के फिर से 4 डबल क्रोशिया। फिर 3 छोड़ के 4 डबल क्रोशिया। फिर 3 छोड़ के 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये वाला लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया ऑरेंज कलर, 3 चेन ले लेंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन चेन लेंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इसको भी हम, इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। 1 चेन 4 डबल क्रोशिया।
वन चेन फोर डबल क्रोशे। देखिए मैंने पिंक कलर ज्वाइन कर दिया, पिंक कलर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे फोर फोर हमने डबल क्रोशे बना रहे हैं, यहाँ पे टू टू चेन ले रहे हैं, देखिए वन टू चेन और यहाँ पे फोर डबल क्रोशे, वन टू थ्री फोर, वन टू चेन, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया, फिर टू चेन, फिर फोर डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसको इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। उसके बाद में वन टू थ्री चेन लेंगे, थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन, फिर से थ्री डबल क्रोशिया, फिर वन टू चेन लेंगे और यहाँ पे जो हम देखिए फोर डबल क्रोशिया बनाते हैं, इसके बीच में हम वन डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, फिर टू चेन, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन, थ्री डबल क्रोशिया, वन टू चेन, इसके बीच में वन टू चेन, फ्रेंड्स यहाँ पे हम दो दो चेन लिया था तो हमें इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे एक चेन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो चेन लिया था तो दो चेन नहीं डालेंगे, एक चेन डालेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे हम टू चेन डालते हैं और इस पर इस तरह से, फिर हम यहाँ पे टू चेन डालेंगे और यहाँ पे हम थ्री डबल क्रोशिया, फिर वन चेन, ठीक है। यहाँ पे हम दो में हम टू बना दिया था लेकिन अभी हम यहाँ पे एक बनाएंगे, इस तरह से कंप्लीट कर। देखिए मैं इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। देखिए अभी हम शुरुआत करेंगे, वन टू यहाँ पे आ जाएंगे हम, फिर वन टू थ्री, फिर से हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे टू चेन, टू चेन हम हर बार लेंगे और इसको
इसी तरह से ऐसे, फिर 1 2 चेन, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन, इधर से ये धागा, ये हम देखिए इस तरह से, इधर से नहीं इस तरह से लेंगे, यहाँ से घुसा के यहाँ से लेंगे और इस तरह से धागा को खींच लेंगे, फिर 1 2 थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, फिर थ्री डबल क्रोशिया, फिर हम यहाँ पे टू चेन लेंगे, टू चेन लेने के बाद देखिए धागा को यहाँ पे चढ़ाएंगे इसके ऊपर और ये क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे, इस तरह से इसको बांध लेंगे, फिर 1 2 चेन, फिर हमारा थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया, इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखिए दोबारा भी हम यहाँ पे आ गए, थ्री चेन बना के हम बीच में आ जाएंगे, बीच में इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर 1 2 3 हम जो प्रोसेस किया था पहले वही हमारा बनाना है, थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया, फिर हमारा 1 2 चेन यहाँ पे ले हैं, इसके बाद यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से बनाएंगे, फिर टू चेन लेंगे, फिर हमारा यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हम टू चेन ले लेंगे और फिर से टू चेन नहीं सॉरी यहाँ पे हम वन वन चेन ले रहे हैं तो वन चेन और फिर यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया, इसके अंदर से थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन, यहाँ पे हम टू टू चेन ले रहे हैं, टू चेन, देखिए क्रोशिया को यहाँ पे डालिएगा इस तरह से, ये जो हमारा गैप है और ये गैप है इसके बीच में से डाल दीजिए और इस तरह से, फिर 1 2 चेन, फिर हम यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया, इस तरह से इस लाइन को हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे, तरह से फिर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट किया है, अभी हम ऊपर बढ़ाएंगे, अभी हम बता रहे हैं कि इसमें देखिए हम यहाँ पे क्या किया, ये थ्री लिया था, फिर वन चेन लिया था, फिर हमने थ्री लिया वन चेन बनाया बीच में, फिर थ्री लिया वन चेन बनाया, फिर थ्री लिया वन चेन बनाया, ये भी हम थ्री लिया बीच में वन चेन बनाया, हमारा टोटल कितना लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन, 5 लाइन बनाने के बाद फिर हम इसको बढ़ाएंगे, अभी 4 डबल क्रोशिया बीच में बढ़ाएंगे, तो हम भी क्या करेंगे 1 2 3 यहाँ पे बीच में हम आ जाएंगे,
देखिए यहाँ पे 1 2 3 थ्री चेन ले लिया। ये जो चेन है ए वन ए एक काउंट कर लेंगे और ए अभी बनाएं ए दो अभी थ्री फिर फोर फोर डबल क्रोशे बनाया। फिर हम यहाँ पे टू चेन डाल देंगे। फिर वन टू चेन और इसमें फिर वन टू चेन। इधर जो हम टू टू चेन लेते हैं उसी तरह हम टू टू चेन ही ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फोर डबल क्रोशिया टू हो गया थ्री फोर फिर वन टू चेन फिर इस तरफ फोर डबल क्रोशिया। फिर वन टू चेन और यहाँ पे इस तरह से। फिर हम इसी को कंटिन्यू बनाएंगे। इसको आप जितना चाहे आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैं इसको आगे बना के दिखाएंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एंड कर दिया है। मैंने यहाँ पे पिंक कलर ज्वाइन कर दिया है। देखिए ये मैंने आपको बताए थे थ्री थ्री यहाँ पे थ्री यहाँ पे थ्री यहाँ पे थ्री मतलब थ्री वन चेन थ्री सिक्स टोटल। यहाँ पे भी थ्री वन चेन सिक्स थ्री थ्री वन चेन थ्री थ्री वन चेन थ्री इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव लाइन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने फोर डबल क्रोशे बनाया टू चेन लिया। तो इसी तरह से आपको अगर बढ़ाना है तो इसी तरह से आप ये हमारा ये देखिए फोर हम लिया फिर टू चेन लिया फिर फोर लिया तो इस तरह से फिर फाइव डबल क्रोशे बनाइएगा फिर टू चेन लीजिएगा फिर इस तरह से आप एक दो लाइन बढ़ाने से आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने इतना ही इसको रखेंगे। तो इसको हम ही फिर हम पिंक कलर ज्वाइंट कर दिया है इस तरह से। हम थ्री चेन ले लेंगे जिस तरह से मैंने ये फोर बनाया है इसी तरह से इसको भी बनाना है। फोर डबल क्रोशे टू थ्री हमारा ये फोर फोर हो गया। अभी वन टू चेन ले लेंगे और यहाँ पे फिर से फोर इसी तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। फोर टू चेन फिर फोर फिर वन टू ये इस तरह से फिर वन टू फोर फिर टू चेन फिर फोर इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें ग्रीन कलर का कुछ बॉर्डर लाइन मैंने जैसे बना रही हूँ। देखिए किस तरह से बनाना है। यहाँ पे हम बीच में आ गए। देखिए बीच में यहाँ पे फोर यहाँ पे फोर यहाँ पे टू चेन था इसके बीच में हम आ गए। यहाँ पे क्या करेंगे फोर चेन ले लेंगे वन टू थ्री फोर चेन लेंगे और इसी में वापस इसी को इस तरह से
ले लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 4 चेन लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। 5 चेन भी ले सकते हैं, 4 मैंने लिया। 1 2 3 4 5 इस वाले में जब बनाएंगे 5 चेन लेंगे, फिर 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 आएंगे यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4। देखिए मैं इस तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैं कंप्लीट कर लिया है, देखिए कुछ इस तरह से हैं। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स।